दोस्तों मान लीजिए कि आपके पास एक मेमोरी कार्ड है और उसके अंदर आपके सारा बहुत सारा डाटा भरा हुआ है, जिसमें मान लीजिए आपकी वीडियोस, इमेजेस, टेक्स्ट मैसेज और आपके डॉक्यूमेंट भी भरे हुए हैं, और आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप एक एक फोल्डर को सिलेक्ट करके डिलीट मारे, और या अगर आप पूरे ऑल्ड फोल्डर को डिलीट मारते हैं तो उसमें होता क्या है कि आपके कुछ पर्सनल डाटा डिलीट हो जाता है। सो दोस्तों आज मैं आपको एक एप्लीकेशन बताऊंगा जिसमें होगा क्या कि आप सिर्फ एक सिंगल क्लिक में सारी डुप्लीकेट फाइल्स को डिलीट मार पाओगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सूरज कुमार और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल टेक्निकल सूरज। टेक एंड गेम्स से रिलेटेड वीडियो पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और दबाए बेल आइकन और पाए हमारी वीडियो सबसे पहले। दोस्तों आपको करना क्या है, सबसे पहले मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे रखा है, तो आप वहां पर जाके क्लिक करेंगे तो आपको एक एप्लीकेशन डाउनलोड हो जाएगी जो कि है डुप्लीकेट क्लीनर। बाकी अगर आपको प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है तो आप देख रहे हैं यहाँ पे प्ले स्टोर पर जाने के बाद आपको लिखना है डुप्लीकेट क्लीनर, जो एप्लीकेशन आएगी वो कुछ इस तरीके की होगी, तो आपको सिंपली इसको डाउनलोड कर लेना है। तो चलिए हम इसको ओपन करते हैं। गाइज ओपन करने के बाद जो इसका फर्स्ट इंटरफेस होगा वो कुछ इस तरीके का होगा, जिसमें आपको स्कैन डुप्लीकेट इमेजेस, स्कैन डुप्लीकेट ऑडियो, स्कैन वीडियोस एंड आपको डॉक्यूमेंट्स भी मिल जाएंगे। दोस्तों आपको करना क्या है, मान लीजिए कि आपको पता है कि आपके पास बहुत सारी डुप्लीकेट इमेजेस है, तो आपको क्या करना है, सिंपली पहले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद क्या होगा, ये थोड़ा लोडिंग लेगा और जितने भी आपके पास डुप्लीकेट फोल्डर होंगे या फाइल्स होगी या इमेजेस होंगी, ये अपने आप उसको सिलेक्ट कर लेगा और आपको सीधा डिलीट का ऑप्शन दे देगा। ये नहीं कि आपको एक एक करके सेलेक्ट करना पड़ेगा, ये ऑटोमेटिक सेलेक्ट कर लेगा। सो दोस्तों जैसा कि अब इसने स्कैन कर लिया है और इसने बता दिया है कि मेरे पास जितनी भी डुप्लीकेट्स इमेजेस हैं, इसने सारा ढूंढ के दिखा दिया है और इसने ऑटोमेटिक सेलेक्ट कर लिया है। अब आपको क्या करना है, सिंपली डिलीट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है और यहाँ पर आपकी जो इमेजेस है वो धीरे धीरे करके ये डिलीट हो जाएंगी। अब मान के चलते हैं दोस्तों कि आपके पास वीडियोस बहुत सारी पड़ी हुई है और आपको उसको ढूंढ के डिलीट मारना है, तो आपको वीडियो पर क्लिक करना है। उसके बाद ये थोड़ा लोडिंग लेगा और लोडिंग लेने के बाद आपको सारी वीडियोस दिखा देगा। जैसे कि हम थोड़ा वेट कर लेते हैं, उसके बाद ये आपको बता देगा। सो दोस्तों जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि जो हमारी फाइल्स हैं, जो वीडियोस हैं, वो इसने बता दिया है कि हमारे जो दो गाने हैं जो इस समय डुप्लीकेट फोल्डर में पड़े हुए हैं, तो आपको क्या करना है, सिंपली इसको सिलेक्ट करना है और डिलीट मार देना, ये परमानेंटली डिलीट हो जाएंगे। सो दोस्तों वीडियो में आपको और भी ऑप्शन मिल जाते हैं, जैसे कि ऑडियो एंड डॉक्यूमेंट्स भी मिल जाते हैं। बाकी मेरे पास कोई डॉक्यूमेंट है नहीं जो कि मैं आपको करके दिखाऊं। बाकी ऐप सेटिंग में चलते हैं, तो ऐप सेटिंग में आपको ऑटो सेलेक्ट डुप्लीकेट फोल्डर जो होते हैं ये इनेबल्ड रखना होगा, और यहाँ पे शो प्रमोट बिफोर द डिलीट फाइल को भी आपको इसको इनेबल करके रखना होगा। सो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको एप्लीकेशन के बारे में बता दिया है कि कैसे यूज़ होगी, यार वीडियो अच्छी लगी हो तो यार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा। साथ ही साथ हमारे यूट्यूब चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सो दोस्तों मिलते हैं हम कल। नमस्कार, बाय बाय, सलामत रहें।